हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया। देश की विरासत से पीएम मोदी का लगाव ही है कि हम अब उस स्वर्णिम काल की तरफ फिर लौट रहे हैं, फिर अपनी विरासत पर वैसा ही गर्व कर रहे हैं। गवाही उज्जैन महाकाल का ये विहंगम दृश्य खुद ब खुद दे रहा है। महाकालेश्वर भी असीम प्रसन्नता में होंगे जब उनका परम भक्त महाकाल कॉरिडोर यानी श्री महाकाल लोक को जनता के नाम समर्पित करेगा। शिव के ये सुंदर 200 स्वरूप, 108 भव्य स्तंभ, आलीशान प्रवेश द्वार और 900 मीटर का कॉरिडोर बाबा के भक्तों के लिए मोदी की तरफ से ये अनमोल सौगात है। मंदिर स्थल अब 2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर में फैल चुका है। यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आज मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। वो मोदी ही हैं जिन्होंने 500 साल से इंतजार कर रहे रामलला के लिए भव्य मंदिर की नींव 5 अगस्त 2020 को रखी, जिसका निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। 13 दिसंबर 2021 की तारीख कोई शिव भक्त कैसे भूल सकता है, जब बाबा विश्वनाथ को तंग गलियों से मुक्ति मिली। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद जब ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, तो 2014 में पीएम बनते ही केदारनाथ को भव्य स्वरूप देने का बीड़ा भी मोदी ने अपने ही कंधे पर उठाया। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को, मैं भस्म कर रहा हूं। नवंबर 2021 में यहां आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना हुई। भोले के जिस सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने बार बार लूटा, उसे भी पीएम मोदी नया भव्य स्वरूप दे चुके हैं। पावागढ़ हिल स्थित कालिका माता मंदिर जून 2022 को मोदी माता के भक्तों को समर्पित कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार या उद्घाटन मोदी के हाथों हुआ है। ।2016 में गोरखनाथ मंदिर में अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण। ।जनवरी 2022 में इम्फाल में गोविंद जी मंदिर का उद्घाटन। ।फरवरी 2022 में हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण। ।जून 2022 में देहू में संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण व मंदिर का उद्घाटन। मां विंध्या देवी के मंदिर को बेहद ही आलीशान और खूबसूरत बनाने वाले विंध्याचल प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। ।धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सैकड़ों मंदिरों को दोबारा खोला गया है। ।प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिरों में मरम्मत और उन्हें सुंदर बनाने का काम चल रहा है। ।मोदी सिर्फ देश में ही नहीं
बल्कि विदेश में भी मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। 2018 में उन्होंने यूएई में मंदिर की नींव रखी थी और अगस्त 2019 में बहरीन में 200 साल पुराने कृष्ण मंदिर के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे।